हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यदवंशी व्लॉग 0304 चैनल पर। बहुत टेस्टी रेसिपी आज लोग आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं और हेल्दी भी बहुत है, बहुत ही बढ़िया बनती है ये वाली। और आपके घर में इस समय ये सारा सामान मौजूद होगा तो आप इस रेसिपी को तुरंत बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा है जो आपके घर में ना हो। और बहुत टेस्टी बनती है ये, बहुत कम तेल मसाले की है। और अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, थोड़ी सी भी हेल्दी लग रही है, अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो देखिए, इसका लुक जितना अच्छी देखने में लग रही है उतनी ही टेस्टी बनती है ये वाली रेसिपी, ये वाला नाश्ता। तो ये बना है गेहूं के आटे से और प्याज से, तो बहुत बहुत सिंपल है। इसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़ा है जो आपके घर में ना हो, तो आप जब भी देखें तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। और शाम के चाय का अगर टाइम हो रहा है और आपने दोपहर में देखा है, तो शाम की चाय में भी आप बना सकते हैं। तो आज आ जाइए मेरी किचन में, आपको शेयर कर देते हैं इसको बनाने का तरीका, कितना आसान तरीके से कितना झटपट बनाया है। और 5 से 6 मिनट में ये बनके तैयार हो जाएगी। बस तैयारी में जो टाइम लगेगा लगेगा, और बनने में पकने में इतना कोई टाइम नहीं लगता है इसमें। तो चलिए, इसकी रेसिपी आपको शेयर करते हैं किस तरीके से बनाया है। तो आ जाइए मेरे किचन में। वेलकम टू माय किचन यदवंशी ब्लॉग 0304 में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए, ये मेरे पास है 2 प्याज और छोटे छोटे से आलू हैं, तो 3-4 आलू इसमें यूज़ करेंगे। ले के तो ज़्यादा आए हैं, लेकिन 3-4 आलू यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के थोड़े बड़े आलू हैं तो 2 आलू 2 प्याज 2 आलू आप बना सकते हो। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको प्याज ज़्यादा पसंद तो प्याज डालिए, आलू ज़्यादा पसंद तो आलू डालिए। तो इस तरीके से प्याज को छील लेंगे, और दोनों प्याज छील करके रख लिए। तो छोटे आलू हैं तो इसको भी छील लेंगे, और आप चाहें तो अगर बहुत साफ़ आलू हैं तो बिना छीले भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि छिलकों में भी थोड़ा बहुत स्वाद होता ही है। और वैसे जो आजकल तो बहुत मिट्टी वाले आलू आ जाते हैं तो साफ़ करने में बहुत टाइम जाता है, तो अगर वैसे आलू हैं तो छिलका छील के ही डालें। तो मेरे वाले खैर वैसे वाले आलू में मिट्टी ज़्यादा थी, तो इसलिए छील के ही डाल रहे हैं। तो इस तरीके से 3-4-5 आलू छील लेंगे, क्योंकि 2 प्याज हैं मेरे पास, तो 4-5 छोटे छोटे से आलू हैं, तो वो मेरे को लगेंगे 4-5 आलू। तो अब देखिए प्याज किस तरीके से काटना है। तो इसमें बहुत छोटे छोटे चॉप नहीं करेंगे प्याज, प्याज को स्लाइस में कट करेंगे। तो छोटे छोटे वाले उसमें मिक्स हो जाएंगे, उस स्लाइस में क्या होते हैं थोड़े लच्छे आते हैं, तो वो देखने में भी अच्छे लगते हैं, और जब तो उसमें स्लाइस दिखेगी तो अच्छा लगता है। तो इस तरीके से देखिए, पतली पतली सी बिल्कुल स्लाइस कर लेंगे। और आप चाहें तो वो जो चिप्स काटने वाली होती है उससे भी स्लाइस कर सकते हो, चिप्स काटने वाली मशीन जो आती है उससे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पतले पतले कट कर ले रहे हैं, और दोनों प्याज कट कर लेंगे। और आप चाहें तो इसमें आलू और प्याज की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जितने आपके घर में मेम्बर हों उस हिसाब से आप आलू और प्याज रख सकते हो। तो देखिए, प्याज पूरी कट कर ली है, और आलू को हम लोग कट नहीं करेंगे, कद्दूकस करेंगे मीडियम साइज वाले से, जो 3 होते हैं ना कसने वाले, तो उसमें से मीडियम वाले से कद्दूकस करेंगे, क्योंकि जो बड़े वाले से अगर करेंगे तो बड़े बड़े लच्छे होंगे, तो गलने में टाइम होगा, पकने में टाइम लगेगा, और छोटे वाले से छोटे छोटे से निकलते हैं तो वो बिल्कुल एक पेस्ट जैसा बन जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मीडियम साइज के सही रहते हैं, जल्दी से पक भी जाते हैं और स्लाइस भी दिखते हैं, मतलब उसके टुकड़े भी दिखते हैं आलू के। तो इस तरीके से देखिए, 4-5 आलू हमने कद्दूकस कर लिया है, और अब कद्दूकस करने के बाद जो आलू का रस निकलता है तो उसको इस तरीके से देखिए हाथों से दबा के निकाल देंगे वो सारा रस उसका। तो इस तरीके से, क्योंकि रस नहीं चाहिए, रस जब आलू का डाल लेंगे तो फिर वो ज़्यादा ही पानी हो जाएगा, और हमको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है इस वाले नाश्ते में, तो इसलिए आलू का भी सारा निकाल देंगे जितना पानी रहता है इस तरीके से। और अब तीखा आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर यूज़ करते हैं अगर आप तो वो भी डाल सकते हैं, अगर हरी मिर्च नहीं खाते हैं चिली फ्लेक्स भी तो वो भी डाल सकते हैं आप। वैसे तो हम हरी मिर्च डाल रहे हैं, और आप अगर हरी मिर्च खाते हो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और तीखा आप अपने हिसाब से रखें, आपको जितना तीखा पसंद है।
तो मेरे पास छोटी छोटी मिर्च थी, ये बहुत तीखी है, तो चार पांच मिर्च छोटी छोटी सी डाल दी, तो उतनी इनफ है, उतना तीखा बहुत है। तो अभी मिर्च भी देखिए उसमें आलू में डाल देंगे और प्याज भी मिक्स कर देंगे। तो आलू प्याज मिर्च सभी एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे, एक बर्तन में सब हमको मिक्स करना है। तो एक बर्तन में निकाल लिया है और अब इसमें डालेंगे 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, तो उसको भी कद्दूकस करके डालेंगे, पीसेंगे नहीं, क्योंकि इसको कद्दूकस का कुछ अलग ही टेस्ट आता है। और अब तैयार करेंगे एक मसाला, तो उस मसाले में हमें चाहिए जीरा, तो 2 चम्मच जीरा लिया है और 1/2 चम्मच काली मिर्च ली है। और अभी इसमें बड़ी इलायची डालेंगे, जो मोटी वाली काली इलायची जो आती है, बड़ी इलायची वो डालेंगे। और ये भी एक बहुत ही अच्छा मसाला तैयार होता है, इसको आप बना के रख लें तो कोई भी चीज़ में डालेंगे तो एक अलग सा स्वाद आता है इस मसाले का। तो ये भी बना के रख लेना, जितना डाल रहे हैं पीसेंगे उतना सारा नहीं डालेंगे, 1/2 चम्मच ही यूज़ करेंगे, लेकिन ये पीस के रख लेंगे हम, तो काम आएगा आगे भी। तो ये 2 इलायची डाली है, अब इसको दरदरा से पीसेंगे, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाएंगे इसका। तो ये देखिए बस 1/2 चम्मच ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसका बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कच्चा जो रहता है बिना भुने पीसते हैं जो जीरा इलायची और काली मिर्च। और अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और बाकी ड्राई मसालों में जाएगा सिर्फ हल्दी, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालेंगे हल्दी और गरम मसाले के अलावा। बाकी तो जो वो खड़े मसाले में ही 3 मसाले बस गए थे, तो बस इतना ही मसाला इसमें पड़ेगा। और इस तरीके से अभी देखिए इसको मैश करेंगे हाथों से, ताकि जो प्याज के लच्छे हैं ना, जो प्याज की परतें होती हैं, वो सब अलग अलग हो जाएं, आलू मिक्स हो जाएं। तो देखिए सब मिक्स हो गया, अलग हो गया। अब इसमें डालेंगे आटा, तो आटे में 3 चम्मच आटा पहले हम लोग डाल के मिक्स करेंगे, क्योंकि इसकी बाइंडिंग तैयार करनी है। तो आपके पास जितना भी आलू प्याज रहेगा उसी हिसाब से आप आटा डालेंगे। तो मेरे पास 2 प्याज थी, 3-4 4-5 आलू थे छोटे छोटे, तो उस हिसाब से उसमें जितना भी आटा लगे। तो इस तरीके से देखिए प्रेशर के साथ इसको सब मिक्स करेंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें पानी देखिए अभी नहीं डाला है, क्योंकि पानी नहीं डालेंगे आलू में, प्याज में थोड़ा बहुत नमी और पानी रहता है। और अब खट्टे के लिए डाल देंगे नींबू का 1/2 रस, अगर आपको खट्टा जितना पसंद आप उतना डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर भी इसमें आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है नींबू तो, मतलब खट्टे के लिए कुछ ना कुछ डालें। और हाथों में अब लगाएंगे थोड़ा सा पानी, और तेल वेल नहीं लगाना है, तो पानी लगा के इस तरीके से देखिए इसका एक शेप देंगे बढ़िया सा। तो जो भी शेप समझ में आए, तो लेट भी हो रहा था हमको, क्योंकि शाम के चाय का टाइम हो गया था, तो जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आ रहा था कौन सा शेप दें। तो पहले तो वड़ा का शेप दे रहे थे, फिर सोचा दूसरा शेप देते हैं, तो अभी बाद में लास्ट में फटाक से मेरा सरल वाला और सिंपल वाला जल्दी वाला शेप वही वाला दे दे रहे हैं शेप, जो कटलेट का या टिक्की का शेप रहता है, क्योंकि चाय का टाइम हो गया था, इनके भी आने का टाइम हो गया था, तो नाश्ता तैयार करना था, तो इसलिए इस तरीके से जल्दी से फटाफट। बाकी और कोई शेप देते तो बहुत टाइम लग जाता। तो अब देखिए रख दिए कढ़ाई, कढ़ाई गर्म हो गई, तो उसमें डाल देंगे ऑलिव ऑयल, आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑलिव ऑयल में भी बहुत अच्छा बनता है, बहुत हेल्दी ऑयल है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इस तरीके से डाला, सिर्फ 2 से 2.5 चम्मच ही तेल है, लेकिन कढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उतना है नहीं ये तेल, और बहुत कम सोख भी करता है ये तेल, ज़्यादा नहीं जलता है। तो इस तरीके से देखिए एक साइड से हो गया है, और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो अभी चेंज कर देंगे, 2 से 3 मिनट ही हुआ होगा एक साइड से फ्राई होते हुए, तो शेलो फ्राई कर रहे हैं इसको। शेलो फ्राई क्या, बहुत कम तेल में कर रहे हैं, इसमें दिख रहा है वीडियो में ज़्यादा तेल है नहीं इतना, तो पास से कैमरा इस वजह से लग रहा है कि बहुत तेल है। 2 ही चम्मच तेल है, 2 से 2.5 चम्मच। तो इस एक साइड से देखिए इतना सुंदर सा कलर आ गया है, और दूसरे साइड से भी चेक कर रहे हैं अभी, तो दूसरे साइड से भी इतना नहीं हुआ है गोल्डन, और पतला पतला सा बनाया है ना, तो बहुत जल्दी से ये पक भी जाएगा आलू और प्याज, और आटा भी जल्दी पक जाता है, इतना नहीं टाइम लगता है। तो पतला मोटा बनाएंगे अगर आप, तो आपको थोड़ा देर तक पकाना पड़ेगा, तो इसलिए पतला पतला सा रखेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, और हमको भी लेट हो रहा था तो इसलिए बहुत पतला पतला सा रखा, और पतला रखने पे क्रिस्पी भी होता है। तो देखिए अभी कलर देखिए दोनों साइड से कितना सुंदर आया है, ये जैसा लग रहा है इसमें कलर डाला हुआ है, लेकिन कोई कलर नहीं है, अब बहुत प्यारा थोड़ा सा लाल में आया था कलर, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी जो बाकी 3-4 बचे हैं वो भी अब इसमें डाल देंगे, उतने ही तेल में ये मेरा सारा तेल भी बच जाएगा,
और कुछ भी ज़्यादा नहीं सोखता है ये तेल दूसरी सब्जी में यूज कर लेंगे। 2-3 चम्मच तेल में देखिए इतना सारा हो गया। अभी इसका भी कलर देखिए आ गया एक साइड से, और दूसरे साइड से टर्न कर देंगे और बहुत क्रिस्पी बनता है ये, बहुत क्रिस्पी। दूसरे साइड में हमने चाय चढ़ा दी है, मेरी चाय भी हो रही है। आपके लिए आप लोगों को चाय नहीं दिखाई, तो ये शाम का टाइम हो रहा है, 6:15 बज रहे होंगे, तो इस टाइम पे मेरे चाय नाश्ते का टाइम होता है। और अब देखिए प्लेट में निकाल के कर दिए प्लेटिंग, और ये मेरी मीठी वाली चटनी तिल और चीनी की बहुत टेस्टी बनती है। और चाय भी बनाई है तो कभी कभी थोड़ी सी चटनी बना भी लेते हैं, जितनी बनाते हैं उतनी ख़त्म हो जाए उस हिसाब से बनाते हैं। आप चाहे तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अभी लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत यम्मी बहुत टेस्टी बनता है। तो आप ये हेल्दी सी रेसिपी ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, और आपके घर के हर उम्र के लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।